हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी भाषा के अंतर्गत गीत कविता को पढ़ेंगे। फर्स्ट गीत कविता है पोड़िलो बरखा ऋतु। हम लोग को 10 गीत कविता को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट गीत का नाम है पोड़िलो बरखा ऋतु, जो रघुनाथ मुनिपति के द्वारा लिखा गया है। रघुनाथ मुनिपति रघुवंशी राजा थे, जो 50वें नंबर के राजा थे। इनका पिताजी का नाम राम शाह था, राम शाह था। अब इनके माता जी का नाम मुक्ता देवी। इनके माता जी का नाम क्या था? मुक्ता देवी, मुक्ता देवी। इनके माता जी का नाम मुक्ता देवी। इनके गुरु जी का क्या नाम था? इनका गुरु जी का नाम था हरिनाथ, हरिनाथ। इनका गुरु जी का नाम क्या था? हरिनाथ। चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पोड़िलो बरखा ऋतु बीरहे बिदंचितु, ताई जागे दुगुन मदन, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन। यहाँ पे अर्थ समझते चलते हैं। फर्स्ट इसमें पोड़िलो आया है। पोड़िलो का अर्थ क्या होता है? आना। पोड़िलो का अर्थ क्या होता है? आना, आना। ठीक है, चीतू का मतलब क्या होता है? चीतू का मतलब होता है मत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दारुण। दारुण का मतलब क्या होता है? दारुण का मतलब होता है अत्यंत, अत्यंत बोल सकते हैं, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत होता है, या फिर कह सकते हैं प्रचंड होता है। हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे डाहुक। नेक्स्ट क्या है? डाहुक दादुली सोर, हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन। नेक्स्ट है गरजे गगन घटा, बिजली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। कह नृप रघुनाथ सुनी दूती एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। अब हम लोग इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका अर्थ जान लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे? पोड़िलो का मतलब क्या था? आना था। चीतू का मतलब क्या था? मत था। और दादुली का मतलब क्या होता है? दादुली का मतलब होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक, मेंढक, मेंढक। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीरा। बीरा का मतलब क्या होता है? बीरा का मतलब होता है बिछड़ना। बीरा का मतलब क्या होता है? बीरे लिखा हुआ है ना, बीरे का मतलब होता है विछड़ना, विछड़ना। मदन का मतलब क्या होता है? मदन का मतलब होता है, मदन का मतलब प्रेम बोल सकते हैं, या फिर वासना बोल सकते हैं, काम वासना भी हो सकता है। अब हम लोग इस कविता को अर्थ को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रघुनाथ मुनिपति के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। नागपुरी काव्य कर शुरुआत करक वाला कवि रघुनाथ मुनिपति है कहे। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नागपुरी काव्य कर, नागपुरी काव्य कर शुरुआत कौन किए थे? सबसे पहले रघुनाथ मुनिपति किए थे। 50वां नागवंशी राजा का रूप में इनका नाम आवेला। कितना नंबर पे हैं? 50वें नंबर पे हैं। राज परंपरा में हमरे इनके रघुनाथ शाह, राज परंपरा में इनका रघुनाथ शाह के नाम से जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे नाम आया है चैतन्य महाप्रभु कर सांस्कृतिक यात्रा से उपजल प्रभाव इनके काव्य रचना करे के लिए प्रेरित करेला। मतलब ये काव्य रचना करने का प्रेरित कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से मिला था? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मिला था, उन्हीं से ये लिए थे। 1626 ईस्वी से 1668 ईस्वी इनका रचना काल एक है। मतलब जितने भी रचना किए हैं 1626 से 1668 के बीच में किए हैं। सबसे सुखद बात ये आए कि नागपुरी में राजा पहला कवि के रूप में जाना जाए। मतलब ये फर्स्ट ऐसे राजा हैं जो काव्य लिखे हैं, जेकर गोटेक गौरवशाली इतिहास है इनका, हमारे बीच रही है। इनकर बारे में नागवंशावली में सबसे बड़ा विस्तार से बताया जाए। रघुनाथ निपति के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तार से अगर पढ़ना है मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? नागवंशी वाला में, नागवंशावली में। इनकर काव्य रचना कृष्ण भक्ति कर साथ साथ बरखा ऋतु से जुड़ल मिलेगा। इनकर काव्य में कृष्ण भक्ति देखने को मिलता है और बरखा ऋतु से भी देखने को मिलेगा। एखन तक का जानकारी में लगभग 16 गीत, कितना गीत? 16 गीत इनका नागपुरी काव्य जगत में उपलब्ध है। 16 गीत इनका काव्य जगत में उपलब्ध है। बंगला मेसा नागपुरी लेखक में इनका काव्य रचना शैली से संबंधित विशेषता दिखेला। मतलब बंगला और साथ ही साथ नागपुरी दोनों में मिला जुला कर लिखते हैं। चुटिया कर प्रसिद्ध राम मंदिर, चुटिया का जो प्रसिद्ध राम मंदिर है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग आते हैं गीत में। तो सबसे पहले जो गीत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बिदंचितु, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो व्याख्या देख लेते हैं क्या है। रघुनाथ मुनिपति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं ना। रघुनाथ मुनिपति नागपुरी कर पहला कवि है कहे। नागवंशी राज परंपरा कर 50वां राजा के रूप में इनका इतिहास है। चैतन्य महाप्रभु कर प्रभाव से इनकर काव्य रचना प्रभावित है। नवरत्नगढ़ डोईसा परगना में इनका राजधानी रहे। राजधानी कहाँ था? नवरत्नगढ़ और डोईसा। ये चुटिया रांची में राम मंदिर कर स्थापना सन 1685 में, याद रखिएगा 1685 में किए थे। प्रस्तुत गीत में अब हम लोग अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि बरखा ऋतु कर शुरू हो जाए कर सुंदर चित्रण कई है। बरखा ऋतु जो स्टार्ट हो गया है उसके बारे में
सबसे अच्छा चित्रण किए हैं। क्या लिखा हुआ था? पोड़िलो बरखा ऋतु। पोड़िलो बरखा ऋतु का मतलब क्या हो गया? पोड़िलो मतलब आना, और बरखा ऋतु का आगमन हो चुका है। जब पोड़िलो ऋतु का मतलब पोड़िलो जो ऋतु है, यानी कि कौन सा? बरखा ऋतु ना, बरखा ऋतु जब आता है, शुरू हो गया है, तो ऋतु खेती बाड़ी, बरखा ऋतु आता है तो खेती बाड़ी परिवार लागी उपयोगी आ है। खेती बाड़ी परिवार के लिए बहुत उपयोगी है, मगर दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य पति पत्नी का जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, लागिन बड़ा मार्मिक आ है, बहुत मार्मिक है, उदास उदासी भरी है। ई बात कर चित्रण कवि सुंदर ढंग से कर दिसेना। कवि कर कहना आ है कि ई ऋतु में गृह स्वामी कर नहीं हुए, मतलब जो घर का मालिक है उसे नहीं होने से कई तरह का काम प्रभावित होता है, कई तरह का काम प्रभावित होते हैं। मन में जे मदन भाव, मदन भाव यानी कि प्रेम का भाव, कामुकता का भाव, कुछ भी समझ सकते हैं ना, प्रेम प्यार कामुकता वासना जागत है। मन में कैसा भाव जाग रहा है? प्रेम का भाव जाग रहा है। उकर निदान नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका हल नहीं हो पा रहा है। गृह स्वामी घर में नखई तब ये अवसर पर मन कर पीड़ा, कमल नयन से धायर बन के उमड़त है, मतलब कमल नयन से झूले सदा है, कमल नयन लिखा हुआ है ना, दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन, यानी कि आँख से आंसू निकल रहा है। पूरा कर पूरा समय दुखदायी हो जाए, मतलब पूरा का पूरा समय क्या हो रहा है, बरखा ऋतु आने से तो खेती बाड़ी और से तो ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए क्या है, दुखदायी हो गया है। इस पद में यही बताया गया है। नेक्स्ट पद हम लोग देखते हैं, डाहुक दादुली शोर। क्या है? डाहुक दादुली शोर या भेल जोर जोर, पिया बिनु बाचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो प्रस्तुत गीत कड़ी में कवि बरखा ऋतु कर वर्णन करते कहे ना कि जब चारों बटे बरखा पानी जोरदार होवेला, खेत खरियान में पानी दिल जायला, तब डाहुक दादुर, डाहुक दादुर मतलब यानी कि मेढक करसोर वातावरण के डरावना बना के देवेला। ऐसा अवसर पर पति चाहे पिया घर में नहीं रहल से उदास वातावरण रहेला। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि पति या पिया के नहीं रहने से घर में उदासी छाई रहती है। वो बड़ा करुणिक हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, रोने लगती है, ऐसा लागे लगा पिया बिना जीवन शायद नहीं नहीं बाची। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, गर्जे गगन घटा बिजुली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। प्रस्तुत गीत कड़ी में कवि जोरदार पानी घटाकर वर्णन कर है, पानी घटाकर चारों बटे बद्री घिड़के लाइग है, रह रह के लौका चमके लाइग है, बिजली का चमक और ठनका कर आवाज से मन में डर बैठ लाइग है। एक बटे बरखा ऋतु कर प्रभाव से घर आंगन में हरियाली कर आस लागत है, तो दूसरे बटे पत्नी कर मन में जे कामुकता जाग है, उकर पूरा नहीं होवेल से कमल नयन से नीर बहक लाइग है, मतलब आपसे आंसू निकलने लग रहा है। एक तरफ तो खुशी का बात है कि खेती बाड़ी हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ पत्नी याद कर रही है कि मेरे पति नहीं है घर पे, और उसके चलते मन में जो प्यार उठा है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कमल नयन से नीर बह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, कहे नृप रघुनाथ। क्या लिखा हुआ है? कहे नृप रघुनाथ सुन दूती एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। प्रस्तुत गीत कड़ी में ये गीत कर आखिरी छंद है के, कवि नागवंशी राजा भी हे कहे से चलते आपन के नृप में जोड़ेना, मतलब वो राजा है इसलिए नृप कह रहे हैं। कहना कि जैसन बरखा कर लहर लहर आते रहत है, उसने है मन में हो कामुकता कर लहर उठते रहते, मतलब जैसे वर्षा ऋतु लहर लहर का आ रही है ना, उस तरह से मन में भी कामुकता का लहर उठते रह रहा है। बरखा ऋतु आलंबन रूप में कामुकता के जगायक वाला ऋतु है के, ई ऋतु पिया रूपी पति कर नहीं रहल से, पिया रूपी पति कर नहीं रहल से सब सुख छीन भीन हो जाते और घरक वातावरण दुख से भर जाते। तो इस पंक्ति का अर्थ यही था। इसमें और लिखा हुआ है कि बंगला मेसा शब्दवली में लिखल ये गीत, बंगला मेसा शब्दवली में मतलब बंगला का भी है और नागपुरी का भी मिक्सअप है, लिखल ये गीत नागपुरी कर परंपरा कर शुरुआती गीत में से एक है, शुरुआती गीत में से एक है, भाव और भाषा दुयों में काव्य सौंदर्य कर झलक मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए गीत कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।